फिर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल, प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति की बताई कैसी वजह। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इसका विरोध जोरों पर हो रहा है और इसका विरोध करने वालों में सबसे आगे शंकराचार्य हैं। यहां तक कि उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो सुर्खियों में बने हुए हैं और रोज अलग अलग बयानबाजी देकर माहौल को गर्म करने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। अब उन्होंने सवाल उठाया है कि शंकराचार्यों के योगदान को सामने रखने की कोशिश नहीं हो रही है, जबकि सच ये है कि उन्होंने ही कोर्ट में प्रमाण रखे और इसी के चलते हिंदुओं के पक्ष में फैसला भी आया। वहीं एनबीटी से बातचीत में शंकराचार्य ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, उनकी पीएम से कभी कोई बात भी नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी आपत्ति की वजह को भी बताया। शंकराचार्य ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया है। इस पर nbt.com ने उनसे खास बातचीत की। इस बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी आपत्ति की वजह भी बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है, मंदिर का शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का सिर है, मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल हैं। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, ये शास्त्रों के खिलाफ है। तो वहीं पीएम मोदी से नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी से उनकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध भी नहीं है, जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है उसी से व्यक्तिगत नाराजगी या प्रसन्नता होती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात नहीं हुई है और ना कभी बातचीत हुई है। हाँ, एक नागरिक के नाते उनका रिश्ता जरूर है कि वो अपने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मजबूत देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्यों के योगदान को सामने नहीं रखा जा रहा है, लेकिन आज अगर रामलला का उनकी जगह पर बैठने का माहौल बना हुआ है तो उसके पीछे शंकराचार्य ही हैं। जो लोग रामलला को लाने की बात कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा सड़क पर चिल्लाने की वजह से हुआ या कोर्ट के फैसले से। अदालतों में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सड़क पर आंदोलन करने से नहीं आया है। 90 दिन की बहस हाईकोर्ट में हुई थी, इसमें 50 दिन की बहस मुसलमानों की ओर से हुई थी, 40 दिन हिंदू की तरफ से हुई थी, उसमें से 24 दिन शंकराचार्यों ने बहस की है। साथ ही उन्होंने 350 से ज्यादा प्रमाण रखे, उनके वकीलों ने दिन रात एक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी 40 दिन की बहस में लगातार 4 दिन शंकराचार्यों की बहस हुई थी। इन सभी सवालों के बीच एक बार फिर शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।